What is up guys, it's me your friend Jay Mukherjee and welcome back to my channel. और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है. थैंक यू सो मच. हम लोग ने अभी हाल ही में 1K का जो सब्सक्राइबर माइलस्टोन है वो पूरा कर लिया है, यानी कि हम लोग अभी 1000 सब्सक्राइबर्स फैमिली है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और ये वीडियो आप दशहरा के दिन देखने वाले हो, सो हैप्पी दशहरा टू यू ऑल. अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. मैंने यहाँ पे टॉप 5 म्यूज़िक प्रोडक्शन माउस चूज़ किया है. सारे लिंक्स आपको अवेलेबल है, अमेज़ॉन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं. तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले विदाउट अ फर्दर डू लेट्स रोल द इंट्रो. सबसे पहला है केंसिंगटन का ऑर्बिट. एक्चुअली में ये ट्रैक बॉल माउस है और ये आपको स्क्रोल रिंग के साथ आने वाला है. जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर एक बॉल बना हुआ है और उसके आसपास कुछ रिंग है उसका. तो ये स्क्रोल रिंग इसको बोलते हैं. ये बेसिकली आप जब भी कोई पेज स्क्रॉल करने वाले हो उसके लिए यूज होता है. अप डाउन मतलब लेफ्ट राइट स्क्रोल होता है इसका. और दूसरा है कि ये आपको डेस्कटॉप पे मूव नहीं करना पड़ता है. तो ये अगर छोटे डेस्कटॉप आप यूज़ करते हो या फिर आपको यू नो माउस बार बार मूव करने में आप बोर होते हो, हाथ आपका पेन होता है, तो ये माउस बहुत ही सेट है आपके लिए. आप जस्ट जगह पे एक जगह पे आप इसको रख दो और उसके ऊपर आपको जब स्ट्राइक बॉल से आपको अपना कर्सर घुमाना है और स्क्रॉल रिंग तो आपको मिलता ही है जिससे आप जो भी पेजेस है वो इसे नो चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो. मेनली ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सकते हैं, जो रिकॉर्डिस्ट है वो इसे यूज़ कर सकते हैं. और ये अर्गोनॉमिक इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इससे आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो मिनिमम होता है, उंगलियों से पूरा काम हो जाता है और हाथ में पेन वगैरह आपको कुछ भी नहीं होने वाला है. दो वेरिएंट्स है इसमें. USB कनेक्टिविटी मिल जाती है इसको और वायर्ड तो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है. विंडोज़ मैक दोनों के साथ ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है, इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हो. तो ये अमेज़ॉन पे है. इस वक्त इसका जो प्राइस है वो लगभग 4,500 के आसपास है. रेटिंग्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना. 3,912 लोगों ने इस पर रेटिंग्स दिया है. 4.5 की इसकी स्टार की रेटिंग है. रिव्यूज़ भी आप इसके ज़रूर चेक कीजिए. अच्छा, ये मैं एक बता दूँ आपको, जो इसके जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से असेंडिंग टू डिसेंडिंग रखा है. और कोई भी इसमें से माउस बजट माउस बिल्कुल भी नहीं है. और ये एक्चुअली में अर्गोनॉमिक है, थोड़ा सा यू नो प्रीमियम सेगमेंट में ही ये जाता है. तो ये है रेजर नागा ट्रिनिटी मॉड्यूलर वायर्ड गेमिंग माउस विथ 19 प्रोग्रामेबल बटन्स और ऑप्टिकल सेंसर माउंट है. ये कोई ट्रैक बॉल वाला माउस नहीं, आप देख सकते हो. और इसमें खासियत ये है, 3 इसमें इंटरचेंजेबल आपको साइड पैनल्स या प्लेट्स मिलते हैं जिसमें बटन लगे होते हैं. और ये आपके कस्टम यूज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसको आप यूज़ कर सकते हो. वायर्ड माउस है, प्लस ये उन लोगों के लिए मज़ेदार होगा या फिर कह लो कि एकदम धमाकेदार होने वाला है, जो लोग RGB लाइट्स पसंद करते हैं. जैसे मैं खुद भी RGB वाला ही एक माउस यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि कौन सा वाला माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो ये माउस आप प्रेफर कर सकते हो, रेजर नागा ट्रिनिटी मॉड्यूलर माउस. प्राइस इसकी है 7,500 रुपये की फ़िलहाल. और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नेक्स्ट वाला माउस चेक करते हैं. लॉजिटेक का माउस है. लॉजिटेक पर्सनली मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है. ये वाले माउस को कहते हैं लॉजिटेक लेफ्ट राइट हैंडेड ट्रैकमैन मार्बल माउस. सेम इसका वही फीचर है, इसको आपको मूव करने का ऑप्टिकल माउस जैसा ज़रूरत नहीं है. एक ही जगह में स्टेबल आप रख दो, आपको जो कर्सर मूव करना है ऊपर आप बॉल से कर सकते हो. खासियत इसकी ये है, ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों लोगों के लिए है. आप इसको अलग से कस्टम कर सकते हो. अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़र हो तो लेफ्ट हैंड से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल माउस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका कैसा है कि इसका जो लेफ्ट राइट है आप चेंज कर सकते हो. रेटिंग इसकी 91 लोगों ने इस पर रेटिंग दिया है. 4.5 स्टार्स है टोटल. और इसका जो प्राइस है 8,248 फिलहाल के लिए. तो आप इसे चेक कर सकते हो. और अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी चल रहा है तो डेफिनेटली ये तो आपको सस्ते में आराम से मिल जाने वाला है.
ओके सो ये जो माउस है ये है लॉजिटेक G600 MMO गेमिंग माउस। इसकी खासियत बता दूँ फिर से, ये एक अर्गोनॉमिक माउस में ये काउंट होता है। प्लस इसमें आप प्रोग्रामेबल, आपको अलग से बटन्स मिल सकते हैं तो देख लीजिए आप। और अर्गोनॉमिक है, मैंने पहले ही बताया। इसमें देखिए जो राइट हैंड साइड में जो छोटा वाला जो पिंक फिंगर है, पिंक फिंगर ही बोलते शायद ना इसे, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस, समझ गए रहेंगे, ये जो छोटी उंगली रहती है वो भी आप इसमें प्लेस कर सकते हो, उसके लिए भी इसमें आपको जगह मिल रही है। म्यूज़िक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो ये माउस आपको यूज़ हो सकता है अच्छी तरीके से। लाइक आप के टूल्स आप प्रोग्राम कर सकते हो कि आपको कट करते टाइम पे ये स्लाइस टूल चाहिए, ये स्किप टूल चाहिए, तो ये सारे चीज़ आप इसमें से प्रोग्राम कर सकते। और ख़ास करके अगर आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है तो ऐसे सब माउस आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो, बॉस अमेजिंग है। अगले वाले माउस की तरफ चलेंगे, ये माउस है कैंसिंगटन का, कैंसिंगटन K64325। ये भी एक्सपर्ट ट्रैक बॉल माउस है, ब्लैक कलर में अवेलेबल है, ब्लैक और ग्रे आपको शायद मिलने वाला है। इस माउस की खासियत ये है कि ये पैड के साथ आपको मिलता है। एक तो माउस का वो पूरा आपको पैक आने वाला है, उसके साथ नीचे ये जो रिस्ट है, इस रिस्ट को प्लेस करने के लिए आपको एक नीचे क्या कहते हैं उसे, एक पैड मिल रहा है। और सेम ट्रैक बॉल माउस है तो इस माउस को आपको मूव करने का ज़रूरत नहीं है बॉस, इसको आप एक ही जगह में रख दो, ऊपर जो ट्रैक बॉल है उससे आप अपना कर्सर मूव करो, रिंग आपको मिल रहा है, रिंग से आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। और प्रीमियम सेगमेंट है थोड़ा सा, 12,248 का ये कैंसिंगटन का माउस है। और इस माउस को मैंने अराउंड 2 या 3 स्टूडियोज़ में, बड़े बड़े स्टूडियोज़ में मैंने देखे हैं। और म्यूज़िक जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं या सॉन्ग रिकॉर्डिस्ट होते हैं, साउंड इंजीनियर्स होते हैं, उन लोग बहुत ये माउस को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े मिक्सर बोर्ड्स होते हैं उनके पास में, मतलब वो कंसोल रखने के बाद जगह नहीं होती है, तो इस माउस को मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको मूव नहीं करना पड़ता, इसके ऊपर आप हाथ रख दो एंड यू नो इट फील्स लाइक कि आपके सब उंगलियों में सारा कुछ काम हो रहा है। आई विश मैं इसे ले पाऊँ, बहुत जल्दी ले लूँ शायद, यू नेवर नो। 12,000 की कीमत है, अगर आप परचेस कर सकते हो तो बहुत ज़बरदस्त ये माउस हो सकता है आपके लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं कौन सा माउस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो ये माउस है रेडगियर कंपनी का, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे। रेडगियर A20 ये माउस है, RGB गेमिंग माउस। और इसकी अभी हाल ही में प्राइस मेरे ख्याल से ग्रेट इंडियन सेल में आपको शायद 500-600 के अराउंड मिल जाए, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। रेडगियर A20 वायर्ड गेमिंग माउस विथ RGB एंड अप टू 4800 DPI फॉर विंडोज़ PC गेमर्स। एनीवेज ये बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, फ़ोटो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, रेडगियर का यही जो माउस है मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसकी जो प्राइस है वो 599 है, रेगुलर इसका प्राइस 800-900 रुपये हो सकते हैं, बट अभी GIF चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, सो अमेज़ॉन पे आप इसे चेक कर सकते हो। ज़बरदस्त माउस है, अराउंड 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। 7 प्रोग्रामेबल बटन्स है, मैं पर्सनली बटन्स इसके साइड के जो खास करके जो बटन्स है आप देख सकते हो यहाँ से, साइड के बटन्स मैं इसे काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने FL स्टूडियो में टूल्स के लिए, और ज़बरदस्त है, तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। ये 599 का है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। हम लोग आमतौर पे माइक्रोफोन के वीडियो वगैरह बनाते हैं, लेकिन आज मैं सोचा कि यू नो ये सारी चीज़ों से हट करके, जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम फोकस नहीं करते, तो इसके बारे में मैं सोचा एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, तो मैंने ये इस पर वीडियो बना दिया। सारे ऑलमोस्ट वायर्ड माउस थे, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं, आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो अगर पसंद आया, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं USB माइक्रोफोन्स के ऊपर वीडियो बनाऊं जो म्यूज़िक प्रोडक्शन और रिकॉर्डिस्ट को हेल्प हो सके, तो मैं ज़रूर
बनाना चाहूँगा उस पर, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट पे बताइए, और चैनल पे अगर आप ऑब्वियसली नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ। बाय।